भाजपा के पार्टी स्थापना दिवस पर झिनिक्कर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर धूमल का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन भी थामा, जिन्हें पूर्व सीएम धूमल ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। धूमल ने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वे इस महान दिन के गवाह भी बन रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं और लोगों ने चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया है। सिंह उनको लेके आए थे, थोड़ा उनको सम्मानित करने में, पार्टी में शामिल करने में हमें इंप्रेशन था कि तलाई के पास चौहान जी के मकान के पास कहीं प्रोग्राम है। मैंने तो कहा रास्ते में ही आ जाना, आप भी वो भी आ रहे थे, शायद यहाँ आके भटक गए होंगे, तो इस कारण से देरी हुई है। गर्मियों में ऐसी ठंडी हवा आ जाए तो और क्या चाहिए। तो मैंने कहा 6 अप्रैल 1980 को 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, 1970 तक हम भारतीय जनसंघ के मेंबर रहे, 70 में आकर जनता पार्टी बन गई, सारी पार्टी इकट्ठी हो गई। जब सरकार बनी तो पार्टी का झगड़ा हो गया और लोगों ने कहा आरएसएस को छोड़ दो, या पार्टी में रहो, जनता पार्टी में रहो या संघ में रहो, दोनों में से चुन लो। तो हमारे नेताओं ने चुना कि हम संघ को नहीं छोड़ेंगे और फिर अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उसमें बोलते थे कहाँ से बनेगी पार्टी, कौन बनाएगा पार्टी, जो कांग्रेस का विकल्प होगा, जो कांग्रेस की जगह लेगा। तब MC चागला केंद्र में मंत्री पहले रहे, कानून के रिटायर्ड जज थे हाईकोर्ट के, उन्होंने मुंबई के जो हमारा सम्मेलन था उनको संबोधित किया और उसमें कहा था कौन कहता है कांग्रेस का विकल्प नहीं है, तो मेरे सामने लाखों लोग बैठे हैं, कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी बनेगी। पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि भाजपा पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक समान विकास हुआ है और सभी वर्ग के लोगों के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। भाजपा पार्टी ने 41 साल के इतिहास के दौरान देश को 2 यशस्वी प्रधानमंत्री दिए हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करें, ताकि भविष्य में बढ़िया परिणाम आ सकें। तब अटल जी ने कहा था अपने संबोधन में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और कमल खिला दिया आप लोगों ने। 16 साल की जब पार्टी 1996 में हुई तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, चाहे 13 दिन के लिए थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गई पार्लियामेंट में और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद 13 महीने के लिए बने, फिर 13 साल के सोचते थे, लेकिन 5 साल के लिए फिर बने। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए। 41 साल की पार्टी में 5 बार देश को प्रधानमंत्री आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, नेताओं के मार्गदर्शन के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है।